नमस्कार, SBN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार बीते हफ्ते हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर और बीजेपी की MLC दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया। लेकिन अब दारा सिंह चौहान को ओम प्रकाश राजभर का एक बयान रास नहीं आया है। दरअसल सुबह सपा प्रमुख ने मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही एक जनसभा में कहा था कि केवल मैं ताकतवर हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। इसके बाद मंत्री दारा सिंह चौहान ने उनकी ये बात रास नहीं आई और उन्होंने कह डाला कि राजभर को गलतफहमी हो गई है, ये अहंकार ठीक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बयान बीते कुछ दिनों के दौरान खास तौर पर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पीला गमछा ही ताकत है। उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि उनके इस बयान से हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद सुबह सपा प्रमुख लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिनों ही उन्होंने कहा था कि यूपी में जितने भी थाने हैं, अगर किसी पर अत्याचार हो तो किसी को याद करना, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को ही याद करना। मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ और वहाँ पीला गमछा लगा कर जाओ। उन्होंने कहा था कि जब आप थाने पर जाओगे तो तुम्हारी शक्ल में दारोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे और जाकर बता देना कि मंत्र जी ने भेजा है। मेरी इतनी पावर है कि थानेदार, SP, DM क्या DGP तक को पावर नहीं है कि मुझे फोन करके ये पूछ ले कि आपने इन्हें भेजा है या नहीं। इस दौरान उन्होंने खुद को गब्बर सिंह तक बता डाला था। लेकिन अब उनके इस बयान पर योगी सरकार ने हाल ही में मंत्री बने बीजेपी के नेता दारा सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजभर के इस तरह के बयानों से खासी निराश है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SBN 9।